कल कली मल दहना, बंदहु गुरु पद कंजी, कृपा सिंधु नर रूप हरी, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितना अच्छा चरित्र है प्रभु का कि हर स्थिति में समझाते, यद्यपि समझाने की आवश्यकता नहीं रही, नहीं हनुमान जी को भेजे थे, इतना सब कुछ हो चुका है, फिर भी अंगद जी को भेजे और अंगद जी सारा जो है उसका अभिमान चकनाचूर करके और फिर भी शिक्षा दे रहे कि तुम्हारा कुशल इसी में है कि बिल्कुल अभिमान ममता और मोह तीनों त्याग कर, देखो ये बात, निष्काम भजन करने से ही तुम्हारा सुयश होगा, नहीं? और भजन तो यहाँ सब कर रहे हैं, लेकिन निष्काम भाव कोई प्रगति नहीं कर पाए अपने अंदर, कुछ एक थोड़ा सा भी कर्म हो रहा है तो लोग जो है लालच रख रहे हैं, नहीं? थोड़ा पानी लगा जाए। जय जय श्री राम। तो देखे जितने जीव हैं सबको ब्रह्मा जी ने एक आयु निर्धारित कर रखा है, तो कितना अच्छा है कि अगर दीजिए तो उसको अवसर दे दीजिए, लेकिन उसका अनहित क्यों सोच रहे हैं? कर्म के हिसाब से लोग भोगी रहे हैं, कर सके तो अच्छा करे, और यदि नहीं हर स्थिति में वह समझने को तैयार नहीं है तो दूर हो जाए, लेकिन अनहित किसी भी जीव का ना करें। जय रामचंद्र भाई। तो देखे श्री राम जी बैठा करके कितना प्रेम से अंगद जी से कहे कि कैसे चारों मुकुट टेके तो बताया प्रभु, ये सब प्रभुता है। साम दान दंड भेद चार राजा के गुण होते हैं, क्योंकि वह अधर्मी हो गया इसे अपने आप चले आए, है ना? ये ना, तो हम लोग दोहा नंबर 38 पर रुके थे और दोहा रहा कि परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के पाली कुमार। तो अंगद जी की पूर्ण युक्ति, पूर्ण युक्ति माने निश्चल भाव, यानी परम चतुरता वही है। अगर निश्चल है वही परम चतुर, अगर थोड़ा भी छल है
दिमाग सोच रहा है कुछ और बोल रहा है कुछ नहीं, तो कहा चला की बा ना है मैं राजू कहा चला की बा उसे बेवकूफ जी बाने चल चल और चल के अंश रघुवंशी के अंदर रात ना ही बात समझता है तो ऐसी बाड़ी कानों से सुनकर उदार उदार माने वही मोह माया निजी इच्छा रहित। तो श्री राम जी से बढ़ के कौन उदार है? श्री राम जी के समान कोई उदार नहीं। तो उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे और उसके बाद बाली पुत्र अंगद जी लंका के किले के सब समाचार कहे। कहे तो भाई क्या जा लेके आए हैं ना, कहे कि अब जब युद्ध के लिए तैयार बने तो भाई युद्ध हुई नहीं, आज वही स्थिति है पूरा। कहे कि विनम्रता के साथ देखा अमेरिका अमेरिका जोन फैल और आप लोग खुदा देखा था पेपर प्रकाशित भा लुधियाना से और जब नौ मन गए हाँ तुम्हारा जो हाँ तब तो रास्ता वही अब उधर जनता निर्धारित करिए कि क्या करे चाहिए। फिलहाल यहाँ के कोनो निजी यहाँ इतने बाकी अगर दर्शन हो जाता तो आप लोग मुक्ति तक पहुँच ले जने, और यदि मन में कुछ भी अगर संसार का सोचा था तो अपने आप के प्रभु के कार्य का अधिकारी मत जाने। अगर सांसारिक एक भी बात मन में कामना से जुड़ा बा तो वो जीव प्रभु के कार्य का अधिकारी निष्काम सेवा के अलावा कामना के जगह प्रभु के सेवा में नहीं बा। ये बात पकड़ पाता है? बड़ा भारी बात हुआ नहीं, लेकिन समझा के जरूरत बा। बात कोनो बात नहीं, ठीक बात। संत दरस जिमी पातक चढ़े वो काम तो होगा, इस त्रिधिया से खाली जब कहीं कुछ नहीं बा तब होता नहीं तो कौन आवश्यकता रहा। शंकर जी जब दे देन मुक्ति तो के बाद कोनो आवश्यकता नहीं, तो यह बा जाने वासना से कोनो भी भाव अगर बा वासना माने कामना कि नहीं ई काम जरूरी हो। यदि संसार में कोनो भी काम जरूरी बा तो वो जीव कभी भगवान का सेवा का अधिकारी, खाली एक निष्काम सेवक ही भगवान का सेवा दे सका, बाकी तो माया के देता है। दुआ से बा परमात्मा और माया, जब तक माया के घेरे में बा है तब तक परमात्मा का सेवा कहाँ कर बे। ठीक, पानी पड़ रहा भाई पर देखो चले दू दोहा यही में लहा के तो ध्यान दे पानी पड़ता ही ठीक तो नहीं बा, लेकिन वो ब्रेक ना हुआ चाहिए ना। सुना गणेश जी तो रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बोलाए। जब अब तो शत्रु हो गए ना, देखिए नर लीला में मित्र और शत्रु होते हैं, लेकिन ये ब्रह्म लीला में कोई मित्र और शत्रु
नहीं होता है। इसके बाद भी जब आत्मा है तो आत्मा तो सबका एक ही हुआ है। अब दरअसल ये लीला भी पहली बार ही हो रहा है ब्रह्मांड में, आत्मा बन के कहा नर लीला रहा हुआ है प्रभु। कोई बात नहीं, तो इनमें शत्रु और मित्र, अपना और पराया का भेद कहीं, तब वो लोग भेद पैदा करना चाहते हैं। हाँ महाराज, भेद करने वाले करते हैं। क्या कि समझ नहीं पा वहाँ सर, इनमें कोई हाँ महाराज जी से बात स्पष्ट बात समझ नहीं पा रहा है ना ठीक। तो देखिए, अब जब देख लिए कि वो मानने को तैयार नहीं, इसका अर्थ है कि अगर कोई बाणी सुन के समझ रहे हैं और धारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण है अहंकार। ये एकदम सीधा सीधा है, अहंकार न हो तो बात समझ में आ जाए तो धारण करने में क्या है। हाँ महाराज, देखो बड़ा बारीक बारीक बात। हाँ भाई, तब हमारे बात तब जो की नहीं धारण होता नहीं, इस काम से बाबू आप लोगों के तो कहा, अरे दो चार मुर्गी मिला बा। यहाँ तो देखो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के बाद बने, तो दो चार में अगर निष्काम नहीं हो पाता तो फिर इधर का ही है। तो रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बोलाए, लंका बांके चारी दुआरा अकेही विधि लागी करहूं बिचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी सभी मंत्रियों को पास में बुलाए, यानी और कहे कि लंका के चार बड़े विकट दरवाजे, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार कर ले। नहीं आज देखबा तो चारों तरफ पाखंड का दरवाजा नहीं। तब कपीसरी छेस विभीषण सुमिर हृदय दिने कर कुल भूषण, और करी विचार तिन्हे मंत्र दृढ़ावा चारियनी कपि कटक बनावा। तब बानर राज सुग्रीव और ऋक्षराज जामवंत जी और राक्षस राज विभीषण जी तीनों लोग श्री राम जी को हृदय में स्मरण करके विचार किए और अपने कर्तव्य को निश्चित किए। जब कोई भी विचार प्रभु को हृदय में धारण करके करेंगे तब वह विचार कभी भी गलत नहीं हो सकता, और जो भी विचार प्रभु को बिना हृदय में धारण किए हैं वे सब के सब गलत ही होंगे। समझत है? जय भाई चितिया रखो।
जौनी रूप देख के, बाड़ी सुन के, सूंग के, चख के, छू के विचार करल है, उनमें एक भी विचार उत्तम हो ही नहीं सकल। और वह लोग करे बा ये बात के मन के अंदर प्रश्न रखे, कहे कि श्री राम जी के धारण करे वाला हनुमान जी बहन, और ये 5000 साल में कोई धारण करे वाला बिल्कुल दम नहीं। एक अर्थ बा कि जितना पंथ निकला बा, धर्म निकला बा, सब तो वो कैसे वो जब कथा संपन्न हुई आज के तो पर विचार करे, ठीक ने वो रख ले एक जगह, फिर आवाज आई है ये ने। देखिए तब जा करके अपने कर्तव्य का निश्चय यानी निर्णय, दृढ़ निर्णय लिए और बानरों की सेना के 4 दल बनाए ने। अजथा जोग से नापति की ने, जूथप सकल बोली तबली ने, और प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाद करी धाये। उन चारों सेना की टुकड़ियों के लिए यथा योग्य यानी जैसा चाहिए वैसा 4 सेनापति नियुक्त किए गए। देखिए किसी के अंडर में रह के जब आप कार्य करेंगे तो आपका दोष उसमें नहीं रहेगा है। और शिव जी कहां उन्हें कलंक लगा सकला कोई है, जे शिव जी के सेवक हो जाए तो जितना कलंक रही जीवन का खत्म ना हो जाए। कहे कि शिव जी के ऊपर कलंक लगावे वाला कोई सुर नर मुनि सब नाव ही सीता नहीं, देवता ऋषि मुनि मनई और राक्षस सभी जीव शरीरधारी शिव जी को प्रणाम करते। अब तो ऐसा राक्षस होगा भान की शिव त्यागी हो गया था एकदम, जो है दम भी बहन है शिव जी के एक चरित्र तो धारण करे के क्षमता नहीं बा। तो सेनापति नियुक्त करने के बाद यूथ पतियों को बुला लिया गया और प्रभु श्री राम जी के प्रताप को कहकर समझाया। जने अब देखो अब का यहाँ से क्या कहा लेकिन सब समझौता है, कोई आई सामने आई नहीं ने, तब यहाँ से कहूँ के नहीं बा, लेकिन आप बड़े प्रेम से जहाँ भी कहीं हाँ शुद्ध रूप से कि भाई देखो बात यहाँ से बा कि एक हल्का सा लोभ कपट पैदा कर देता और बड़े आराम से भाई विचार करके देख ले कि जे भी पद पे बैठावा ओकरे क्या आंशिक लोभ का अंश बा कि नहीं, तो वहां तो पूरा एकदम भंडारा दिखाई। तो यह सीखे के बाद बाकुल यह सब प्रताप बैठावे कलयुग में ढूंढवे को जने मिलिए नो नहीं महाराज कहे कि अब पक्का सफा रहे तब पक्का कर पाई तनखो मिलावट रही
तो वो अंश तो जेबे करी हां महाराज मिलावट से बैठे रहो मिलावट छोड़ दे मिलावट है महाराज जाबे रामचंद्र भाई छोड़ दे भीग जा दे चित यहां रखो दे मोड़ दोगे यह चित रखो भाई देखो बीच में ही सब कह के पड़ा था अरे भीगो था भीगे दे समझे देखो अब ये सब में बाधा पड़ा था ना एकदम शांत अब चित के रखा तब तब बात हरिओम हरिओम नहीं अब सुनो यहाँ आवो बीचे में आवो इधर देखे भाई चित्त के थोड़ा भी मतलब कहे कि ये बहुत अलग व्यवस्था बा एक तरफ कुल भक्त लोग बेचारे जो है कि देखा बहल जाता है वही में है ना आप लोग जब मुंह मोड़े है तो के कर्तव्य तो यह बने तो प्रभु के हृदय में धारण करबे तब अपने कर्तव्य का अनुभव ममता के कोई धारण करके कहो कि अपने कर्तव्य का अनुभव कर ले ठीक तो प्रभु के प्रताप को कहकर सबको समझाए नहीं यानी प्रभु का एक प्रताप ही है जो कि दृढ़ विश्वास पैदा कर सकता है दूसरा कुछ कितनो मिसाइल रखे रहे कुछ हुआ वाला नहीं जिसे सुनकर बानर लोग बानर बंधु वे शेर की तरह गर्जना करके दौड़े लंका की ओर ठीक ने तो हर्षित राम च नहीं दौड़े प्रभु की तरफ आ रहे हैं भाई हर्षित राम चरण सिर ना वही अगही गिरि शिखर वीर सब धावही वे सभी वीर हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखरों को ले लेकर दौड़ते अगर जही तर जही भालू कपीसा जय रघुबीर कोसलाधीसा कोसल राज श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहते हुए बानर भालू वीर गरजते हैं और ललकारते हैं ठीक ना नर लीला है सबको जानना तो है प्रभु के पास ही लेकिन कल्याण होगा बस बैठो तो देखिए कितना अब चल दिए सब लेके वही है ना और आप लोगन बदे ने यह पहाड़ बा पहाड़ के जो बार है यह बा सम दम यम नियम यह कुल पहाड़ के यही से जो प्रहार होई समझो ये बड़ा हां नहीं मेरा एकदम बारीकी आप पगलोक पकड़ाता है ना अभी हनु रही अस्त्र शस्त्र जन रही तो काम मार कर दे तो जानत परम दुर्गय तिलंका प्रभु प्रताप कपि चले अशंका लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय उसको साधारण लोग कहां जीत पाएंगे किला जानते हुए भी बानर भालू की सेना
प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गए हैं, इसलिए निडर होकर चले। जब तक इस प्रताप का अनुभव नहीं करेंगे तब तक डर नहीं। देखो साधारण रूप से जब बाणी जाता तो डरे आई ने सबके कि कुछ कह तो कुल गुंडा पाले बहन मरवादी है, डरे आई। लेकिन जब यह प्रताप बैठ जाएगा तो डर कहीं नहीं रहेगा। अब देखो यह औषधि बा प्रभु के प्रताप को, इतना बड़ा प्रताप है कि पत्थर भी पानी में तैर जाते। इतना बड़ा प्रताप है कि भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब लोग उनके लिए सेवा करते। माया उनके लिए पांचों तत्व की रचना करती है और उन्हीं के लिए श्री शेष जी पूरे ब्रह्मांड को सिर पे धारण करते। वे ही है जो कि शिव जी के धनुष को तोड़कर, देखिए जो सत्य को नहीं तोड़ पाएगा, माने जो सत्य के आगे नहीं निकल पाएगा, वो शांति सुमति पवित्रता कहां से प्राप्त करेगा? विचार करके देख ले, मिली सत्य की तरफ से, झूठ रही तो उसे हमेशा जो है विकल मन, शांति नहीं, ठीक। तो प्रभु के प्रताप को धारण कर लिए हैं, इसलिए निडर होकर लंका की ओर जा रहे। समझे में कई दिक्कत? माया भुलवावा की कोशिश करी सब बात, लेकिन अब भूल के अनुभव में आ जाए तो कहां से भूलवे। तो घटा टोप करी चहु दिशी घेरी, मुख ही निशान बजा वही भेरी। तो बादलों की घटाओं की तरह चारों ओर से लंका को घेर है, तो वहां कहां मिलिट्री के व्यवस्था बा, तो सब मुंह से जो ना फेरी सुनाई जो युद्ध के बाजा वाला ना बजा। अब बादल लोग बोले है ना, हाँ, जिसन युद्ध के बाजा बजला, ठीक ने, तो ऐसा सब जो है मुंह से ही भेरी, माने वही जो युद्ध का बाजा है वो मुंह से ही बजा रहे। तो जयति राम जय, जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, अगर जहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा बानर, देखिए प्रभु का प्रताप बैठ गया तो बल का सीमा हो गया अपने आप, नहीं। और वो जब पूरा पवित्र अवस्था में रहे तो कहीं से कोनो दिक्कत, हमारा आत्मा के तो बल आत्मा में निगरपन आगा कुल बल है वा। ठीक, तो क्या हुआ, सभी बानर भालू बंधु शेर की शेर के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, बानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने जने। जब चारों तरफ से घिरा के ऐसे गर्जना हुआ लगी तो गांव में कोलाहल न हो जाए।
है आराम से बैठ गया। तो लंका भयउ को लाल भारी असुना दशानन अति अहंकारी। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया माने कोहराम जी के कोहले, और अत्यंत अहंकारी रावण ने उस कोलाहल को सुनकर कहा, देखिए यहां सीधा सीधा 5000 वर्षों की बात हो रही है, लेकिन देखो सब अहंकारी बहन कोई की लगता कि कोनो मतलब देखिये यह चरित्र करता है क्या कहता है अत्यधिक अहंकारी या सबसे ज्यादा अहंकारी जीव रावण की। देखहु बनरन केरी ढिठाई अभी हसी निसाचर से न बोलाई। अरे बनरों को देखो ऐसे ही हंस के और राक्षसों की सेना को बुलाया और कहा, क्या कहता है कि आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। कहा कि काल की प्रेरणा से सभी बंदर चले आए और मेरे राक्षस सभी भूखे। तो हस कही अट हस सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया यानी बड़े जोर जोर से ठहाका मार कर हंसने लगा। ठीक ने लगा ठीक। देखिए ऐसे ही सबको लगता है कि सब बड़े जो है अहंकारी लोग जो अहम भाव से बल को बढ़ाए हैं, जितना भी चाहे शरीर की शक्ति हो चाहे मिसाइल की शक्ति हो चाहे और भी जो तमंचा उग्रह है, सब उसी शक्ति को मानते हैं, बाकी योग शक्ति से उनका कुछ लेना देना। तो कहता है कि विधाता घर बैठे ही आहार भेज दिए जेने। तो सुभट सकल चारिहु दिसि जाहु अधरी धरी भालू की से सब खाहु। और बोला कि हे वीरो सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और बानर भालुओं को पकड़ पकड़ के खा जाओ। समझे? अब देखो सबके लगता कि जो है इतना आसान बा, सब देवता आए हुए हैं ने, बड़ा अलग व्यवस्था बा। तो जहां था अभिमान कैसन बा, जो न अभिमान बा ये जान ले, कभी कितना बड़ा कोई कितनो बुढ़ा बन करके ऐसे आ जाए कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी, तो वहाँ तोहर सबको एक अनुभव हुई। भगवान शंकर जी कहता है, भगवान बोले ना कर बहन कि उमा राव नहीं असय अभिमाना अजि मिट्टी टिभ खग सूत उताना। ओकर अभिमान के जगह सुनना करो तैन किसी
एक ठो टिटिहरी पक्षी होला, लंबा लंबा पैर नहीं हो, जब देखबे कि जब बादल गरजला जने तो वो उल्टा पैर करके वो कहीं कहीं अंडा उंडा दे रही ने, तो उताने सूत करके पैर ऊपर कर ले कि बादल गिरी तो के हम पैर से थाम ले। इतना बड़ा होके अभिमान, शंकर जी कहता रावण का अभिमान इतना बड़ा। टिटिहरी वाला देखे है ना, लंबा लंबा जो बहुत हाँ, अभी तो घूमत के दिखा तीन ने तो देखो रावण के अभिमान का इतना बड़ा उदाहरण शिव गुरु देता है। और यहाँ अभिमान से देखे एक आदमी मुख तो ना ही बात कि दिखा था तो बताओ जे सबसे बड़का अभिमानी रहा शिव जी का था नौका रस्ता टिटिहरी के तरह। समझा था ना, अभिमान कुछो ना एकदम ढील के तरह समझ ले, ये कुछ हो शरीरिया बा ये समझ ले कि ये प्रभु का कुल रोवा हो, और यही में ढीली के तरह ये कुल शरीर रेंगवाता है। हाँ, और ऊपर से जो है कि घमंड ममता मोह छल कपट झूठ धोखा इतना बड़ा बड़ा पहाड़ सब जने सर पे रखे हुआ है, क्या विचार कर रहे? अरे ऐसे मुक्त होके तो पवित्र विचार करके तो देखो ना, नहीं क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धि जो ना मनैया के मिला बा, माने जो दिखाता है नहीं। और यहाँ जो ना फूल गाजे रह बा वो कहे कि हम बहुत बड़का धर्मात्मा आई, एकदम भाई नने के तनको जगह मत देना। अगर बुद्धि किसको से फसाबा है तो जहां फसाबो अगर दौड़ा था तो ओकरे चारों ओर दौड़ी रहे। तो यहाँ का बात समझे, इच्छा का खूटा गार दे बैन और लोभ के रस्सी में बुद्धि के बांध दे बैन नहीं, और बुद्धि देखा इच्छा के चारों ओर दौड़ता ने, तो जहां जहां बुद्धि दौड़ता हुआ वहां शरीर दौड़ता तो नाचो था है नहीं, तो नाचो से शांति मिली यही से जो हो इन निष्काम भाव वाला व्यवस्था अति उत्तम बन है। देखा सब जने इच्छा से बधा बांध की नहीं, पहले अनुभव करो। हाँ मेरा सब कोई ऐसा जीव प्राणी नहीं बा को कह दे कि हमारी इच्छा नहीं बा, निजी इच्छा, निजी इच्छा इन्हों के बधा हुआ कहवे नहीं। देखो क्यों नहीं कहा सब भले, लेकिन महाराज हम लोग तो नहीं करते। नहीं अनुभव जो कहे वह कहो, ये पूरे धरती पर कभी अगर कोई कुछ कहे चाहे तो सिर्फ सत्य और निजी अनुभव, साधारण बात नहीं बा। प्रभु का लीला बा सबने झूठे का हम हमार के चक्कर में इतना बढ़िया जो है मनुष्य के शरीर दुर्लभ जो व्यवस्था बा एक व्यर्थ कर देता है ने। कलयुग के द्वारा ठगा जाते हैं सरजू भाई, कलयुग के द्वारा ठगा जाते हैं। कौन चौपाई कहवे जो यही बारी न मानस धोए से कायर कलिकाल बिगोए। जो श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी
विमल यश के जल से अपने मन को साफ नहीं किया, वे डरपोक सियार कलयुग के द्वारा मात्र ठगे जा रहे हैं, क्योंकि यह निश्चित है कि जब तक मानसिक पवित्री नहीं होगी तब तक कोई भी जीव पवित्र सेवा दे ही नहीं सकता है, और बिना पवित्र सेवा के शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर यह बाड़ी कर जाए इनका गर्दन उड़ा दिया जाए, ये सब है। और ये सबके कल्याण के लिए कहा जा रहा है, कोई अभिमान की बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी शरीर के द्वारा कर्म हुआ वो मात्र शिव जी के प्रेरणा से, जो हो रहा है वो भी प्रेरणा से, एक कुछ अलग से है नहीं। समझे में कहीं तन्नी सा जो है कचरा रखबे तो मामला ठीक बिगड़ जाए। भगवान के प्रेरणा का जो है मैंने शिव जी का मानो जाई ने, तो वहां से बात देखो ठीक ने, तो कितना बड़ा जो रावण का बीमार रहा ओकर कहा औकात बा बतावा, उतना बड़ा यहाँ अभिमानी के बा नहीं महाराज, इतना बड़ा रावण जी का अभिमानी से है, तो बताओ जब अभिमान में वो टीटीडी के पास तो थोड़े अभिमान के कैसे तुलना करवे नहीं तब टीटीडी के नहीं तो फिर और फिर दूर डर जाए ये नादान के फिर होना। हाँ वो सही बात, वो सही बात। तो चले निशाचरे आय सुमागी अगही कर भिंडी पाल बरसांगी, अतो मर मुदगरे पर सुप्रचंड सूल कृपान परिघ गिरी खंडा। कल्याण हो बा, बस बैठ जा। तो सब राक्षस लोग रावण से आज्ञा मांगकर और अपने हाथों में उत्तम भिंडी पाल ये हथियार है उस समय के, सांगी सांगी माने बरछी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे सूल दुधारी तलवार परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस दौड़े जने, लेकिन अभी लंका के भरे नहीं अंदर में जने। तो क्या हो रहा है कि जिमी अरुणो पल निकर निहारी धावही सठ खग मास आहारी, अचोच भंग दुख तिन्हि न सूझा अति मिधाए मनु जादय बूझा। आप लोगों का यहाँ से तो अनुभव नहीं होगा, देखा गया हिमालय पर कि कुछ पत्थर लाल है, वह खून की तरह दिखते हैं ठीक ना, और मूर्ख कुछ पक्षी है तो सोचते हैं कि मांस है और जाके उसी पर और उनका मुंह फूट जाए लायक हो जाए फूटू जाए, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं बा। तो जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, अब वह विराजा भाई विराजा ध्यान दे तुझसे मतलब पानी होने की बात कर ले जो है, चित के मत खींचल करो बस चुपचाप।
देखिए उसी प्रकार से माने पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, कष्ट भी हुई चोंच भी टूटी लेकिन उसको सूझता नहीं। वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े, समझे? तो मांस खाने वाला हर जीव राक्षस होता है, ये जान ले। मांस खाने वाला हर जीव, हाँ, तो अगर कोई मनुष्य का शरीर धारण करके मांस खा रहा हो तो उसे मनुष्य मानना यह बेवकूफी है। क्या है? बेवकूफी। लेकिन देखा इतने लोगों से ममता लगाए बनना गणेश जी क्या करवे कहे कहा करी गुरु, इतने कुल में जन्म होगा ठीक। तो नाना युधिष्ठिर चाप धर अजातु धान बलबीर अकोट कगुरन ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। पहले बहरे का निकलिए, पहले अपने लंका के बचा हुए हैं कि बाहर से नहीं बाहर से। तो अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर, वो भी वीर है, उनके पास अस्त्र शस्त्र है, ठीक ना? वो जो चार दीवारी है लंका की उसी पर चढ़ गए कि कहीं इन्होंने अंदर न घुस जाए, नहीं तो मेरा लड़का बाकुल मरी है। यही से चार दीवारी पर ही चढ़ गए। तो कोट कगुरनी सोह ही कैसे अमेरु के सिंगनी जनु घन बैसे। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे। बहुत बड़ा बड़ा जो है वो उसके पार पाना वो दिवाई जो चार दिवाई सब लगावल है 6 फुट का 5 फुट का वो नहीं, हाँ सुमेरु पर्वत जैसा जाने बड़ा सुरक्षित जगह। अब बाज ही ढोले निशान जुझाऊ असुनी धुनी होई भटनी मन चाऊ। और जुझारू ढोल बजा रहे हैं ने, जब वो जुझारू ढोल बजला वीर योद्धा के अंदर उत्साह पैदा होगा। तो जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता नहीं, तो बाजे ही भेरी न फिरी अपारा असुनी का दर उरे जाही दरारा। अगणित नफीरी और भेरी बज रहे, नफीरी वही वाद यंत्र हुई है सुनो, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारे पड़ जाती नहीं, जे डरपोक रही तो हो जाए। तो देखिन जाई कफिन के ठट्टा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। वे जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले
महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्टा माने समूह समूह को देखे ऊपर से जहां बयान वहां से देखा था इनके सब बड़ा विशाल विशाल बयान और लेह बयान ठीक ने। तो लेह बयान का अर्थ क्या बा कि अब देखे आप लोग वह चरित्र के जब ले लेबे है ना तब कोई कहे वाला तो धावही गन ही न अवघट घाट अपरबत फोरी करही गही बाट धावही गन ही न अवघट घाट पर्वत फोरी करही गही बाट। देख रहे हैं कि रिच बानर दौड़ रहे और ऊंची नीची बिगट घाटियों को कुछ नहीं गिनते यानी अगर पहाड़ भी बा तो उसको फोड़ के रास्ता बना दे रहे हैं बांदर भालू इतने बलवान। आज के मनईद के कल्पना के बहरे के बाद भाई समझे हाँ महाराज अब आज के मनई की कहावत है बंदर नहीं देखा यार बंदर पहाड़ फोड़ रही क्या है तो कोई बात नहीं वो समझो एक ठीक अकट कट आही कोटिन भट गर जही अदसन ओठ काट ही अति तर जही पकड़ कर पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना लेते हैं और करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते दांतों से ओठ काटते हैं और खूब झपटते हैं जाने जब अवला युद्ध का भाव तो दांत दांत से ओठ सब करना है तो ओठ काटते हैं और खूब झपटते सूत रावण इते राम दोहाई जयति जयति जय परी लराई। उधर रावण की जय जयकार इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही जय 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 की ध्वनि होते हुए लड़ाई छिड़ गई यानी और जय भाई वो इतना दुबुक के न बैठो लगे लंके में कहने मैं बुखार आलोम न हो जा ये ने तो निश्चर शिखर समूह ढहावही अकूदी धरही कपी फेरी चलावही। राक्षस लोग भी लंका में पहाड़ भी है वो भी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे और बानर और रिच लोग क्या कर रहे हैं भालू बंधु उन्हीं का पकड़ के पत्थर जो फेंक रहे ना उन्हीं को पकड़ के उन्हीं के ऊपर फेंक देता है अरे बड़ा आनंद आओ फिर है। तो धरी कुधर खंड प्रचंड मर कट भालू गढ़ पर डारही अछपट ही चरण गही पटकी मही भजी चलत बाहुरी पचारही। अयति तरल तरुण प्रताप तर पही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिर ने जहत राम जसु गावत भये। अब देखो ये छंद के थोड़ा अलग टोन निकला बाकी के तो थोड़ा है एक ही अगर कैदे से पढ़वे वो वाले में
देखा एक नहीं रहा ये तो ओरिजिनल। और ओके अगर थोड़ा सा विनम्रता से पढ़ दे जिसे लोग पढ़ा ले सीख ले किधरी कुधर खंड होशी आवो तो ऐसे सब पढ़ा ना तो होशी आवो ना बा जब जब युद्ध का मैदान बा तो मैं सोहर वाला धून किधरी कुधर खंड प्रचंड मरे कट भालू गढ़ पर डारही इन चल पाइया ने इनसे नहीं चल पाओ तो प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े को ले लेकर किले पर डालते अपना जो है वो तो फेंक ही रहे हैं और वो जो फेंक रहे हैं उनका भी पकड़ के एक दे रहे वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते जाने जब मारो थे तो उन्होंने गिर जाते हैं तो उनके पैर पकड़ के पटक के फिर भाग जाते हैं और फिर ललकारते हैं और बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए समझे उन समय बचा नहीं पाता है इसमें कहा चढ़ गए किले पर और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। यानी अब देखा यह सब प्रताप जब अंदर धारण कर ले बने कुछ जो महल बनाया हुआ है नहीं पखंडी लोग आश्रम के रूप में एकदम भाव से लगेगा वो सब पखंडी है नहीं तो वहां छपटा छपटी हुई कि ना हुई जाके जा उनका पुजारी कर ले तू एकु एकु निशिचर गही अपनी कपी चले पराई ऊपर आपू हेठ भट गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले कुछ तो है जो कि वहां पर है चार दीवारी पर तो उनको पकड़ के पहले पटक रहे कि आओ मैदान में वहां रह से काम न चली। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले से धरती पर आ गिरते माने कुछ तो जो है कि पार करके राक्षस के चला गया लंका के अंदर और कुछ जो है ओके पकड़ के ना ओके नीचे अपने ने चले इसे बड़ा अलग बाजू है। अब यही प्रकार से रोक देना कहे कि युद्ध के वो कुछ ऐसा बा कहे कि ये समय जो ना बानर भाई ऊपर बहन और राक्षस लोग तो ये भाव रखते हुए कि ये जो अहम से जो इतना निकला हुआ है राक्षसी गुण है ना वो वास्तव में नीचे ही रहेंगे। हाँ वो मन निग्रह इंद्रिय निग्रह अहिंसा अस्ते अपरिग्रह क्षमा सरलता मैत्री भाव त्याग तपस्या यही ने ब्रह्मचर्य सत्य शौच संतोष इन सबको कहाँ जीत सकता है नहीं रखें ठीक न तो इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय।
युवराज अंगद जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।